सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वेडनेसडे यानी कि कल के जो मार्केट था वो कैसे प्ले हुआ था, वो लेवल्स को हमारे रिस्पेक्ट करता है मार्केट नहीं करता। आप एक बार पहले प्रूफ देखो एंड देन फिर जो मैं एक्सपायरी यानी आज का दिन जो आप वीडियो देख रहे हो एक्सपायरी के दिन मार्केट किस लेवल को प्ले करने वाला है वो लेवल्स में एंड ऑफ द वीडियो में मैं दे दूंगा। तो मेक श्योर कि वो लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना है, क्योंकि जितने भी लोग वेडनेसडे वाले लेवल्स को यूज़ किए होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और वो ट्रैप होने से बच गए होंगे। पूछो क्यों, ये सारे लेवल्स मैंने वेडनेसडे को जो ट्रेड होने वाला था सुबह सुबह मॉर्निंग में दे दिया था। आप देखो एग्जैक्टली मार्केट ये लेवल पे, हमारा ये लेवल मैंने सभी लेवल्स मैंने फ्री में दे दिए थे, टेलीग्राम पे भी दिया था और वीडियो को फॉर्मेट भी दे दिया था। वो जाकर के वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पर उसका लिंक रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से घूमता है और घूमने के बाद ऊपर की ओर जाता है, फिर ये रेजिस्टेंस वाला जो लेवल हमारा है यहीं से मार्केट नीचे की ओर आता है और ये जो सपोर्ट वाला लेवल होता है यहीं से मार्केट फिर से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, डबल पैटर्न बनाता है यहाँ पर, फिर से ये जो रेजिस्टेंस वाला लेवल होता है इसको मार्केट बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेजिस्ट करते हुए दिख रहा है। आपको देख सकते हो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया एंड फिर मार्केट यहीं से घूम गया और मार्केट भी कहीं ना कहीं यही लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया। तो आप देख सकते हो पहले मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता, फिर यहाँ सपोर्ट लेता, फिर यहाँ सपोर्ट लेता, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन एंड फिर फाइनली मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देता। तो आप देख सकते हो मार्केट कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है हमारे लेवल्स को। अगर ये लेवल्स जिनको नहीं पता होता तो मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा हो तो सब लोग कॉल बाई कर रहे होते, इसके नीचे जा रहा तो पुट बाई कर रहे होते, लेकिन चूंकि हमको पता है कि इसके नीचे मार्केट जाने में टाइम लगेगा, अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है फंसा लेगा, मैंने ये बात साफ साफ वीडियो में कहा है। तो आप ये देख लो ये लेवल्स कितने परफेक्टली वर्क करते हैं, ठीक है। और ये लेवल्स किसी इंडिकेटर या फिर कोई चीज़ के बेसिस पे नहीं, सिंपल एनालिसिस के बेसिस पे है और डेल्टा फोर मेंबर्स को सारी चीज़ें पता है, उनको अच्छे से पता है कि भाई लेवल्स कितने परफेक्टली वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स को हल्के में ना ले, बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है एंड इस लेवल के बेसिस पे चाहे आपका कोई भी सेटअप हो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी सेटअप ट्रेड करते हो लेवल्स लगा के रखो कि एटलीस्ट आपको टारगेट बुकिंग में या फिर एंट्री लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। मान लो रेजिस्टेंस वाले लेवल पे आपको आपका सेटअप कॉल का ट्रेड दिलवा रहा हो तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है, आप या तो ट्रेड ही ना करो या तो ट्रेड करो तो क्वांटिटी कम कर लो, क्योंकि यहाँ पर लेवल्स आपके अगेंस्ट आएगा ही आएगा, ये मान के चलना है, क्योंकि लेवल्स हैं ये मार्केट खुद बनाता है तो मार्केट अपने लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करता है, ये मान के चलना है। चाहे आपका कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कॉल बाय किया पुट बाय किया। मार्केट को अगर किसी बात से फ़र्क पड़ता है तो वो ये कि उसने कौन से लेवल छोड़ के गए हैं पिछले वाले दिन, वो उसी लेवल के हिसाब से अपना कल का मार्केट प्ले करेगा। और आप ये सोच के चलोगे कि मेरा सेटअप मेरे को हमेशा प्रॉफिट देगा, मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा, तो ये कहना गलत है। मार्केट अपने लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, अब उस बीच में आप किस तरीके से अपने सेटअप को प्ले करते हो ये टोटली आपके हैंड में है। तो एटलीस्ट आपके चार्ट पे लेवल होना बहुत ज़रूरी है। लेवल को मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपके पास रोड क्लियर होना चाहिए। अब मान लो कि आप यहाँ पे जा रहे हो, आप यहाँ पे ये एक रोड है और यहाँ से आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो और आगे का आपको रोड ही नहीं पता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। जब तक आपको रोड पता नहीं रहेगा आप गाड़ी कैसे ड्राइव करोगे। तो सेम चीज़ जो लेवल्स है ना, समझो आपके लिए रास्ता है ट्रेड करने के लिए, आप ये रोड को देखते हुए, अब मान लो ये रास्ता ये रोड है, आप ऐसा तो नहीं कि रोड के नीचे से गाड़ी चलाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, रोड के नीचे से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो वैसे ही लेवल्स के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो लॉस होने के चांस तो 100% है, मान के चलना। तो ये लेवल्स को ड्रॉ करके रखना है। अब कल का लिए जो लेवल्स प्ले करने वाला है वो मैं आप सबको स्नैप दे देता हूँ। ये लेवल है, पहला लेवल है 45,848, दूसरा लेवल 45,710, तीसरा लेवल 45,568 एंड चौथा लेवल 45,432 एंड पांचवा लेवल जो एक्स्ट्रा लेवल है वो 45,277, ठीक है। ये पांचों लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट प्ले होगा। जहाँ कहीं भी मार्केट ओपन होता है उसके ऊपर के लेवल वर्क एज अ रेजिस्टेंस एंड उसके नीचे के लेवल वर्क एज अ सपोर्ट। अब आपको देखना है कि आपका सेटअप कहाँ बन रहा है। रेजिस्टेंस पे अगर आपको पुट का ट्रेड मिल रहा है, आपका सेटअप पुट का ट्रेड दे रहा है, डेफिनेटली ट्रेड करो, वो आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। सपोर्ट पे अगर आपका कोई कॉल का ट्रेड बन रहा है, डेफिनेटली ट्रेड करो, आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। हर बार ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नहीं होता, 90 टाइम्स फेलियर निकलते हैं, तो 90 टाइम्स जो फेलियर निकलते हैं तो रिजेक्शन होता है, रिवर्सल होता है, रिवर्सल ट्रेड किया करो। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के चक्कर में रहोगे हमेशा लॉसेस होंगे। सो जस्ट फोकस ऑन रिवर्सल्स, जस्ट फोकस ऑन लेवल्स, जस्ट फोकस ऑन योर परफेक्ट सेटअप एंट्री। अगर मार्केट का लेवल भी आपके सेटअप को सपोर्ट कर रहा है तो 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, कुछ मत सोचो। तो ये लेवल्स ड्रॉ कर लेना, एक्सपायरी के दिन इसी लेवल के बीच में मार्केट प्ले करता हुआ दिखेगा। आप अभी से लेवल को ड्रॉ कर लो, मार्केट के बाद एनालाइज कर लेना, आपको लगेगा कि हूबहू ऐसे उतारा हुआ था कि हाँ मार्केट यहीं पर रुकना था, यहीं पर सपोर्ट लेना था, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी हमारा बहुत जल्द मनी स्पिन स्ट्रैटेजी लॉन्च होने वाला है, उसके लिए आप सबको अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर ले। और डेल्टा फोर जितने भी लोग ज्वाइन कर रखे उनकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज सबसे बड़ा क्लास होने वाला है, सबसे बड़ा क्लास आज उनको मिल गया, क्या बोलते हैं,
हाउ टू आइडेंटिफाई साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट अगर पता चल जाए तो आप लोग बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट ना करके चलोगे, ठीक है, छोटे छोटे स्कैल्प करके पैसा बनाओगे। और ट्रेंडिंग मार्केट जब रहेगा तो कैसे पता करें, तो वो सबसे बड़ी वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है, इन डेप्थ में समझाने वाले हैं। एंड दूसरा जो सबसे बेस्ट वीडियो है वो है मेजर लेवल्स कैसे ड्रॉ करें चार्ट में, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा करके चार्ट पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करें एंड उसको कैसे ट्रेड करें वो सिखाने वाले हैं। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जितने भी लोग डेल्टा फोर ज्वाइन कर रखे हो मेक श्योर कि एक भी क्लास मिस ना करें। ये दोनों क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक की जितने भी क्लासेस हैं उन सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि साइडवेज मार्केट कब है, ट्रेंडिंग मार्केट कब है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्ले कर लोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि साइडवेज मार्केट है ट्रेंडिंग मार्केट है, तो आप वहाँ पर फंसने वाले हो। तो सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, ठीक है, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देख के, लेवल्स आपके लिए परफेक्टली वर्क करता है, तो आप एक कमेंट में अपना पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है एंड फिर हम आगे मोटिवेट होकर के आपके लिए हमेशा ऐसे काम करते रहेंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय।